हाय, फेस्टिविटीज यानी कि दिवाली अब ओवर हो गई है, तो चलिए अपने गार्डन में भी कुछ काम कर लेते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसको हम कॉमनली अपनी किचन में यूज करते हैं, ये है टमाटर। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम टमाटर को अपने घर पे ही अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से किस तरह से उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मैंने किस तरह से टमाटर उगाए हैं बीज से। आप चाहे तो आप पौध खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप अभी भी बीज से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं टमाटर की ग्रोथ में, जैसे कि ब्लॉसम एंड रोटिंग या फिर मीली बग्स का अटैक। इन सब प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से टैकल करें, कभी हम इनको सॉइल हेल्थ के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम अपने प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जिससे हम इन इन्फेस्टेशन से लड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह का सॉइल मिक्स हमें अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए और किस तरह के पॉट में हमें इसको ग्रो करना है। टमाटर उगाने के लिए हमें कम से कम 12 इंच की गहराई वाला प्लांटर चाहिए। ये हम टेराकोटा का ले सकते हैं या फिर कोई ग्रो बैग भी ले सकते हैं। सॉइल मिक्स के लिए हमें 2 हिस्से गार्डन सॉइल चाहिए। गार्डन सोइल से आधी मात्रा में लूंगी कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट। मैं ले रही हूँ गोबर की खाद, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। खाद की जितनी ही मात्रा लूंगी मैं कोकोपीट की, और इसमें थोड़ी मात्रा में मिलाऊंगी सैंड या रेत की। वो डिपेंड करेगा कि अगर आपकी मिट्टी में ज्यादा चिकनी मिट्टी है तो आप रेत की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हमारा बेस मटेरियल, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ टमाटर स्पेसिफिक चीजें जो कि है टमाटर की कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। ये है जिप्सम, ये है कैल्शियम सल्फेट। इसको हम टमाटर की कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब टमाटर का पौधा ग्रो करता है तो वो मिट्टी से कैल्शियम ले लेता है। तो जिस वक्त टमाटर की फ्रूट प्रोडक्शन की स्टेज शुरू होती है उस वक्त फ्रूट प्रोडक्शन के लिए कैल्शियम मिट्टी में अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टमाटर के ऊपर एक लेजन जैसा हो जाता है, घाव जैसा। टमाटर पूरा डेवलप हो जाएगा लेकिन उसके एंड में हो जाएगा एक रोट, जिसको बोलते हैं ब्लॉसम एंड रोटिंग। इससे टमाटर की सेल वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है, क्योंकि कोई भी बायर गला हुआ टमाटर नहीं खरीदना पसंद करेगा। इसलिए इस स्टेज को अवॉइड करने के लिए हम मिट्टी में कैल्शियम सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि है जिप्सम या फिर खड़िया, या फिर हम चूना भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप 15 दिन में एक बार बटर मिल्क या छाछ भी अपने पौधे को देते रहें, डाइल्यूट करके 20 ml छाछ 1 लीटर पानी में ऐड करके। अगर हम अपने पौधे को देंगे तो उसकी डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहेगी। तो ये मैंने लिया है, इस सॉइल मिक्स में मैं डाल रही हूँ कम से कम 250 ग्राम जिप्सम। तो सॉइल मिक्स के बाद अब हम बात करते हैं कि हम टमाटर की पौध कैसे तैयार करें, या फिर अगर हमारी पौध तैयार हो चुकी है तो हम उसको कैसे ट्रांसप्लांट करें बेहतर रिजल्ट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस पौध के बारे में जिसको मैंने लगभग 1 महीना पहले बीज से ग्रो किया था। ये चेरी टमाटर की पौध है, और जिस तरह से हमने चेरी टमाटर को उगाया है इसी तरह से हम टमाटर की हर एक वैरायटी, चाहे वो सैन मेरिजानो हो या फिर वो देसी वैरायटी हो, हम उन सबको इसी तरह से उगाएंगे। तो बीज से इस तरह की पौध को ग्रो करने के लिए हमें एक छोटा पॉट चाहिए, 2 से 2.5 इंच या फिर 4 या 6 इंच तक का भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लेंगे अपने बीज, ये मैंने ugao.com से लिए थे, और आप एक पॉट में 2 से 3 बीज डाल सकते हैं। और इस पॉट के ऊपर मैं इनको रख दूंगी ऐसे 1, 2, 3। इसको मैंने मिट्टी से ढक दिया है। अब मैं इसको हल्के हाथों से पानी दूंगी और इस पॉट को मैं इंडोर में रख दूंगी जब तक कि बीज जर्मिनेट नहीं हो जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद मैं इस पॉट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखूंगी, जहाँ पे पौधे को दिन भर की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। अगर हम इसको अंधेरे में ही रखेंगे तो पौधे की जो पौध निकलेगी वो लैगी निकलेगी, यानी कि वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी और वो बाद में गिर जाएगी। तो इसलिए आप अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में ना रख के इनडायरेक्ट सनलाइट में ज़रूर रखें, ताकि पौधे को कम से कम थोड़ी बहुत सनलाइट मिलती रहे, जिससे वो लैगी या फिर लंबा ना हो पाए और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी बनी रहे। तो ये पौध मेरी तैयार है ट्रांसप्लांट के लिए। इसके ऊपर 6 से 7
ट्रू लीव्स आई हुई है। ट्रू लीव्स का मतलब है कि पौधे की सच्ची पत्तियां। जब पौधे के ऊपर 6 से 7 ट्रू लीव्स आ जाए उसके बाद ही हम पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त उसके अंदर स्ट्रेस को झेलने की ताकत होती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पौध को हम किस तरह से ट्रांसप्लांट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बिगनर हैं तो सबसे पहले आप चेरी टमाटोज को ट्राई करो, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम बीमारियां लगती हैं और उससे आपको बहुत यील्ड भी बहुत ज्यादा मिलेगी। इससे आपको सेटिस्फेक्शन जल्दी होगा और मोटिवेशन आपका ज्यादा बढ़ेगा, उससे आप और भी सब्जियां ग्रो करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप किसी भी और टमाटर की वैरायटी स्टार्ट करने से पहले आप चेरी टमाटर से स्टार्ट करो। तो चलिए देखते हैं कि सॉइल मिक्स को यूज करके हम किस तरह से इस पौध को ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ ग्रो बैग, ये कम से कम 1.5 फीट लंबाई वाला ग्रो बैग है। 1 फीट लंबा ग्रो बैग भी होगा तो आपको चलेगा, या फिर आप टेराकोटा का पॉट भी ले सकते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी अपनी गार्डनिंग जर्नी में तो मैंने 10 इंच का पॉट लिया था और उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छी यील्ड मिली थी। तो टमाटर के लिए स्पेसिफिकली पॉट साइज इतना ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, आप 10 इंच का पॉट भी ले सकते हैं तो भी आपको अच्छी यील्ड मिल सकती है। ये है मेरे टमाटर के पौधे की ग्रोथ लगभग 1.5 महीने के बाद। इसके ऊपर फ्रूट्स आ गए हैं और शायद अगले नवंबर के महीने में शायद इसके फ्रूट पकने भी लगेंगे। और आप देख सकते हैं प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स भी आए हुए हैं। आप हमेशा इंश्योर करें कि आपके गार्डन में सब्जियों के पौधों के साथ फूलों के पौधे भी हों, क्योंकि इन्हीं के ऊपर अट्रैक्ट होके पॉलिनेटर्स आएंगे जैसे कि मधुमक्खियाँ, और वो सब्जियों के फूलों को पॉलिनेट करेंगी ताकि फूल फल में बदल सके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि हमारे टमाटर के पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल आ रहे हैं लेकिन वो फल में नहीं बदल पा रहे हैं और झड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको नेचुरली पॉलिनेट करने के लिए अपने गार्डन में फूलों के पौधे की ज़रूर रखें। लेकिन मेरे इस पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा मीली बग्स का अटैक है, जिसको मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मैं उसको किस तरह से हैंडल करती हूँ। तो ये है मेरे पास नीम ऑयल का सोल्यूशन। 1 लीटर पानी में मैंने 5 ml नीम ऑयल लिया है और 1 ml शैम्पू, और इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे करूंगी। अब जैसे ही फ्रूट प्रोडक्शन की स्टेज शुरू हो गई है पौधे की, तो हमें इस पौधे की मिट्टी में कैल्शियम का इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम के बिना पौधे के फ्रूट में ब्लॉसम एंड रोटिंग हो सकती है। ये है बटर मिल्क या छाछ, आप दही भी ले सकते हैं। और 1 लीटर पानी में आप 20 ml के जितना लीजिए और इसको आप अपने पौधे को 15 दिन में एक बार देते रहे। जिस वक्त आप अपने पौधे को पानी दे रहे हो आप उस वक्त भी दे सकते हैं, और अगर आप भूल गए हैं तो आप अलग से भी दे सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और इम्पोर्टेंट टिप आप लोगों के लिए है कि टमाटर का पौधा एक बेल होता है, तो इसलिए उसको चढ़ने के लिए या तो आप इसको कहीं ऊपर बांधे या फिर एक कोई सपोर्ट दे दीजिए ताकि उसको ट्रेल करने में आसानी हो। जब आपका पौधा छोटा होगा तो आप छोटा सपोर्ट दीजिए, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए आप सपोर्ट बेहतर देते रहे। तो आप कोई भी सपोर्ट दीजिए, वेदर कोई बैम्बू का पोल दीजिए या फिर आप इसको किसी रस्सी की सहायता से बांध दीजिए, दोनों ही स्थिति में आपके पौधे के ऊपर स्ट्रेंथ बनेगी और वो उसके ऊपर फलों की संख्या और फलों की साइज भी बेहतर होगा। तो गाइस, अभी जो आप शुरू करेंगे अपना टमाटर का क्रॉप बीज से या पौध से,
आपको रिजल्ट्स मिलेंगे मार्च और अप्रैल में जाके, तभी आप अपना टमाटर की पहली क्रॉप हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट केयर टिप थी जिसको आपने अपने टमाटर की ग्रोथ में यूज किया और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। साथ ही मुझे आप ये भी बताना कि आप किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना पसंद करेंगे, कौन सी ऐसी प्लांट्स हैं या सब्जियां हैं जिनके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।